Guys, the wait is ultimately over. ICI puts an end to all the exam related speculation once and for all. आज जो कि 27th मार्च को ICI एक नोटिफिकेशन लेकर आया, बहुत ही बेहतरीन नोटिफिकेशन, जहां पे ICI ने बोला कि मई 21 का जो CA फाइनल और CA इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन है उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं टिल फर्दर नोटिस, और बोला कि हम एटलीस्ट 25 डेज का स्टूडेंट्स को नोटिस देंगे बिफोर द रीशेड्यूल डेट. तो बहुत ही वेलकम मूव है, बहुत ही मैच्योर डिसीजन ICI का, बिकॉज ICI ने इस सिनेरियो में कोई नई डेट नहीं बताई, बोला कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं और स्टूडेंट को एटलीस्ट 25 डेज का नोटिस देंगे बिफोर द रीशेड्यूल डेट, सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा और जब सेफ रहेगा तभी ये एग्जाम किया जाएगा. तो अभी यार स्टूडेंट्स देखो हमें क्या करना है, हमारा जो टारगेट था मई 21 का, उस टारगेट के हिसाब से ही आप पढ़ते रहो और अपने प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली करते रहो, अपने रिविजन कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंटली करते रहो. बट हो सकता है कि आज के दिन में हमारे बहुत से फैमिलीज में प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे रिलेटिव्स में प्रॉब्लम हो सकता है, और अभी एनवायरमेंट भी ऐसा हो गया है कि हम थोड़े सेटबैक हो गए. बट अभी देखो हमें क्या याद रखना है कि आज ये जो लास्ट वन ईयर का कोविड का एक्सपीरियंस है ना, ये हमें क्या बताता है कि हेल्थ इज वेल्थ और हमारा फैमिली हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है और उसको हमें प्रोटेक्टेड रखना है. तो उस वजह से अगर आप किसी कोविड रिलेटेड क्राइसिस से जा भी रहे हो, आई प्रे टू गॉड के वो आपको शक्ति दे उसको ओवरकम करने के लिए, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, खुद को और अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखें. एंड आई होप कि इस क्राइसिस के सिनेरियो से हम बहुत ही जल्द बाहर आ जाएंगे, अपना प्रिपरेशन सही तरीके से करते रहे और एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बना के रखे. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज इस तरह के बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे. हमारे चैनल में काफी सारे वीडियोस भी हमने अपलोड करे हुए हैं, सो दैट ये जो आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप रिवीजन कर सके, प्रिपरेशन कर सके. एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. स्टे सेफ, स्टे एट होम, प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड स्टे प्रोटेक्टेड. हेल्थ इज वेल्थ, फैमिली इज ट्रेजर. अपने आप को और अपने फैमिली को प्रोटेक्टेड रखो. थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट.